hello everyone this is ashish jain this is a continuation video on cost sheet chapter so in the last in the last two videos we have done first 10 questions let's start with 11 question so question number 11 a factory has received an order for three different types of casting weighing respectively 18 45 and 27 tons

उसमें ये भी बता दिया कि उन्होंने कि टेन परसेंट ऑफ द रॉ मेटर जो यूज होती है वो वेस्ट हो जाती है एंड उनको जो है जो ट्वेंटी परसेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ जो रॉ मेटेरियल उसको स्क्रैप में बेच देते हैं तो आप समझ सकते हो देखो यहाँ पर कि अगर इतने का अगर ऑर्डर आया एटीन टन का अगर ऑर्डर आया है और आपको पता है कि जो भी आप रॉ मेटीरियल परचेज करते हो उसमें से टेन परसेंट तो ऑलरेडी वेस्ट हो जाता है ठीक है दैट मीन्स तो आपको कितने रॉ रोमेटर परचेज करने पड़ेंगे ट्वेंटी अगर आप ट्वेंटी मीटर परचेस करोगे मान लीजिए मैं ए टाइप की बात कर रहा हूँ दैट मीनस ये आपको नाइनटी परसेंट कंसिडर करना पड़ेगा टेन परसेंट तो आपकी जो कास्टिंग आपकी का से वो तो आपकी वेस्ट चली जाएगी बट ट्वेंटी करोमीटर परचेस करोगे उसमें से टेन परसेंट तो वेस्ट चला जाएगा तो एटीन का ही तो आपको ऑर्डर जो है तभी तो था, आप कंपेयर कंप्लीट करवाओगे दवाई नहीं हो पाएगा नेक्स्ट द कॉस्ट ऑफ द रो मटेरियल इज टू फिफ्टी पर टन द वेजेस ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ कास्टिंग्स आर रिस्पेक्टिवली फोर थाउजेंड टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड दॉ दी मूल्डिंग इज फोर हंड्रेड फाइव 400 500 300 ये भी देखिए आपका सारा का सारा जगह दैट कॉस्ट में काउंट हो जाएगा इफ द फैक्ट्री चार्जेस आर फोर्टी परसेंट ऑफ इन ईच केस फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर टन ऑफ ईच टाइप ऑफ कास्टिंग्स इजी है देखिए कैसे करना है इसको क्वेश्चन नंबर अलेवन course sheet So let's make three columns for different types of castings. particulars let's name the three types of castings a b and c देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है पहले एक बार देख लेते हैं कि ग्रोस आउटपुट देखिए कितना कितना होगा देखिए ग्रोस आउटपुट देखिए कितना होगा देखिए जी कॉस्ट ऑफ रॉ मीटर कितनी है टू फिफ्टी पर टन ठीक है कॉस्ट कितनी है टू फिफ्टी पर टन कितने रॉ रोमीटर परचेस करेंगे हमें हाँ हमें अगर एटीन का अगर मैं एट ए प्रोडक्ट की बात करूँ ए की अगर ऑर्डर अगर एटीन का है और आपको पता है कि टेन परसेंट ऑफ द कास्टिंग्स वर ऑलरेडी वेस्ट में जाएगा जाएगा तो आप कितने ऑर्डर लोगे आप, आप खुद कितने कितने का परचेस करोगे ट्वेंटी का सेम ऐसे ही आपको बी का देखो टू फिफ्टी आपको अगर एफ का ऑर्डर कम्प्लीट करना है दैट यू नीड टू परचेज फिफ्टी फिफ्टी यूनिट्स फिफ्टी टन सॉरी टू फिफ्टी फोर सी टाइप अगेन कितने का ऑर्डर आपको मिला हुआ है ट्वेंटी सेवन तो आप कितने टन परचेज करोगे थर्टी तो देखिए आपको कितना कितना खर्चा पड़ जाएगा इसमें आपको फाइव थाउजेंड इन ए ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड इन बी एंड सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर सी अब इसमें से आपका जो सेल हो जाएगा सेल ऑफ वेस्ट वो आप माइनस कर दोगे ठीक है कितने कितने पे देखिए सेल और आपका ट्वेंटी परसेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल ट्वेंटी परसेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल दैट मीन्स अगर मान लीजिए मैं ए की बात करूं तो कितना आएगा देखिए टू फिफ्टी कॉस्ट है? है उसका ट्वेंटी परसेंट कितना हो गया हंड्रेड कितना हो गया हंड्रेड सॉरी इट्स फिफ्टी फिफ्टी हो गया ठीक है और वेस्ट कितना जा रहा है टू टन्स सो कितना जाएगा ये हंड्रेड रुपीज यहाँ पर आ जाएंगे आपके ठीक है फिफ्टी रुपीज पर टन बी कितना टन जो है वेस्ट हो रहा है फाइव दैट इज टू फिफ्टी फोर सी फिफ्टी रुपीज पर टन सी में कितने प्रोडक्ट जो है कितने टन जो वेस्ट हो रहा है थ्री ज वन फिफ्टी ये सब माइनेस हो जाएंगे ठीक है फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे वेजेस ठीक ये वेजिस के लिए क्या बोला बताऊ थ्री दी वेजेस फॉर थ्री टाइप्स तो ऑफ कास्टिंग आर फोर थाउजेंड टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फाइव थाउजेंड फाइव फाइव हंड्रेड तो जो डेट अमाउंट लिख देंगे हम फोर थाउजेंड टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स में हम इसमें ऐड करेंगे बिकॉज वो डेट एक्सपेंसेस होते हैं अमाउंट आपको गिवन है इसमें भी आपको फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड थ्री हंड्रेड दैट्स इट अब आपके पास क्या जाएगा ये प्राइम कॉस्ट एंड देन वी विल ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स तो देखिए फैक्ट्री वर्ड्स में क्या क्या बोला फैक्ट्री ओवर चार्जेस आर ऑफ़ वेजेस इन केस तो देखिए कितने -कितने थे फोर थाउजेंड टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो इसी का ले लेंगे तो so, यहाँ पर लिख देंगे हम फैक्ट्री ओवर हेड्स बस अमाउंट लिख देंगे हम सिक्सटीन हंड्रेड फोर थाउजेंड टू हंड्रेड टू थाउजेंड टू हंड्रेड दैट्स इट अब आपके पास ही क्या आ जाएगा या आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सॉरी टोटल नहीं किया मैंने को उसका टोटल यहाँ पर आ जाएगा ये नाइन थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी थ्री थाउजेंड टू फिफ्टी एंड थर्टीन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड फिफ्टी इसके बाद इनको ऐड करके आ जाएगा ये आपका टेन थाउजेंड नाइन हंड्रेड ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फोर फिफ्टी एंड देन फिफ्टीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी अब हमें क्या निकालना है हमें निकालना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर टन पर टन निकालना है हमें तो तो बस इन सब को किससे डिवाइड कर देंगे हम एटीन से डिवाइड कर देंगे इसको हम तो पहले तो देखिए आपके पास क्या जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा आपके पास ठीक है उसके बाद लिखेंगे टोटल टर्न्स Produced. कितने टन प्रोड्यूस हुए ए एटीन बी में फोर्टी फाइव एंड सी में ट्वेंटी सेवन बस आपको डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कोस्ट पटन 605.55 610 568.5 so this is the question number 11 <coughs> now moving to question number 12 the books and records of the Anand manufacturing company presents the following data for august

अच्छा तो देखिए इस बार हमें अगर अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है दैट मीन्स हमें यहाँ पे कुछ डेटा जो मिसिंग होगा उसको हमें फाइंड आउट करना है बेसिकली चलिए करते हैं इसको क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट तो देखिए सबसे पहले देखते हैं हम ओपनिंग रॉ मटेरियल, देन परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग रो मटेरियल ये आपके पास क्या आ जाता है रो मटेरियल कंज्यूम्ड तो देखते हैं ओपनिंग रो मटेरियल कितना गिवन आपको एट थाउजेंड अच्छा इसमें पच्चीस गिवन नहीं है तो परचेजेस अगर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड परचेजेस विद द हेल्प ऑफ बैलेंसिंग फिगर वो बाद में यही आई थिंक यही हमारा जो इसमें आपका मिसिंग अमाउंट होगा जो हमें निकालना है सो देखिए एट थाउजेंड तो ओपनिंग गिवन है ही आपको सॉरी एट थाउजेंड आपको ओपनिंग गिवन है एंड क्लोजिंग कितने के आपको एट थाउजेंड एंड सिक्स हंड्रेड ये माइनस करेंगे तो आपके पास सौरो मीटर कंज्यूम रहेगा पहले एक काम करते हैं पहले जितने भी फिगर्स गिवन है उसको हम लिख देते हैं बाद में देख देखते हैं अच्छा फिर आपको गिवन है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट तो या तो आपका प्राइम कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा ऐड करेंगे हम डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट लेबर गिवेन आपको सिक्सटीन थाउजेंड सेट और तो कोई आपको डायरेक्ट क... एक्सपेंसि गिवेन नहीं आई थिंक यस नहीं है सो दिस विल बी योर प्राइम कॉस्ट, सो अभी तो यहाँ पर टोटल कर नहीं सकते बिकॉज हमें परचेजेस निकालना है सो so, अभी तो उसके लिए यहाँ तक थोड़ी देर का ध्यान छोड़ देते हैं देखते हैं उसको आगे कैसे करेंगे तो उसके बाद अब हम करते हैं फैक्ट्री ओवर हाइड्स फैक्ट्री ओवर देखिए क्या गिवन था देखिए डेट लेबर को उसमें बैगेट में ही गवन था वन सिक्सटी परसेंट ऑफ फैक्ट्री ओवर हाइड तो देखिए फैक्ट्री ओवरइड्स कैसे निकालते हो ऐड करेंगे हम फैक्ट्री ओवर हाइड्स कैसे निकाल सकते हो देखो इसको एजी है ये सिक्सटी थाउजेंड जो गिवन था वो आपको वन सिक्सटी परसेंट गिवेन था आपको हंड्रेड परसेंट अमाउंट निकालना है तो आपके पास क्या रहेगा सिक्सटीन थाउजेंड सॉरी टेन थाउजेंड एज फैक्ट्री ओवर ठीक है इजी है ये तो इसके बाद उसमें फैक्ट्री वर्ड्स में आपको जो है ओपनिंग वर्किंग इन प्रोग्रेस एंड क्लोजिंग वर्किंग प्रोग्रेस तो वो भी ऐड करेंगे ओपनिंग माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना कितना अमाउंट की मैं देखिए आपको एट थाउजेंड एंड ट्वेल्व थाउजेंड एट थाउजेंड एंड ट्वेल्व थाउजेंड तो देखिए यहाँ पर हम जो है इसको तो माइनस करेंगे तो अगर देखिए अगर आएगा तो देखिए कितना माइनस ट्वेल्व थाउजेंड तो ये तो आपका अगर आप करोगे इन सबको तो ये आपका आ जाएगा सिक्स थाउजेंड प्लस पॉजिटिव में आएगा हम इसको सिक्स थाउजेंड से पॉजिटिव आएगा पड़ेगा तो बाद में हम इसको ऐड करेंगे बिकॉज़ प्राइम का टोटल गिवन नहीं है तो अभी हम इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे अच्छा उसके बाद हम कर फैक्ट्री वर्ड्स होकर उसके बाद हम क्या करेंगे ऑफिस एंड एडमिशन ओवर तो वो गिवेन आपको देखिए जनरल एंड एडमिशन एक्सपेंसिस टू तो वो ऐड कर देते हैं जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर दैट इज टू थाउजेंड सॉरी हम इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं टू थाउजेंड एंड ये ऐड हो जाएगा आपका अच्छा इन सब का टोटल कितना आएगा आपका ये जो आएगा जबकि वर्क कॉस्ट आएगा तो ये आपका टोटल आएगा वर्क कॉस्ट जनरल पर ये वर्क कॉस्ट का को टोटल आ जाएगा आपके पास इसको हमने जनरल एडमिशन ओवरहेड्स कर दिए अब हम टोटल तो कर नहीं सकते तो ये आपके पास आपका जो भी आएगा दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबको ऐड करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनको हम टोटल कर देंगे देन आपको गिवन है ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिनिश गुड्स वो भी एड और माइनस कर देते हैं ओपनिंग फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स वो कितने गिवन को देखिए फोर्टीन थाउजेंड एंड एटीन थाउजेंड फोर्टीन थाउजेंड एंड एटीन थाउजेंड ये इनको लेस करने के बाद डिफरेंस जो है फोर थाउजेंड का ये आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसका आपको ऑलरेडी टोटल गिवन है इस पर आपको तो इसका टोटल गिवन गिवेन फिफ्टी सिक्स थाउजेंड ठीक है तो अब देखिए हम रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे तो ये आपका जो टोटल लगेगा कि ये कितना थाउजेंड ठीक है इसके बाद ये यह आपका जाएगा सॉरी माइनस करेंगे तो ये आपका फिफ्टी सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड उसके तो बाद हम इसमें सिक्स थाउजेंड माइनस करेंगे तो आपका प्राइम कोस्ट आ जाएगा फिफ्टी वन थाउजेंड फोर हंड्रेड हम रिवर्स में आ रहे हैं उसके बाद हम सिक्सटीन थाउजेंड में माइनस करेंगे ठीक है तो ये आपका आ जाएगा टोटल आपका ये आई थिंक ये आ जाएगा रोमीटर जो पच्चीस आ जाएगा ये आ जाएगा आपका फिफ्टी ये जो आ जाएगा आपका थर्टी फोर थाउजेंड दैट इज़ ये आ जाएगा आपका थर्टी सिक्स थाउजेंड ठीक है पहले आप फिफ्टी वन थाउजेंड फोर हंड्रेड लेस सेक्सटीन थाउजेंड कर देना उसके बाद जो भी बैलेंस अमाउंट आएगा उसमें आप एट थाउजेंड सिक्स एड कर देना एंड एट थाउजेंड लेस कर देना जो रिमेनिंग अमाउंट होगा दैट सिक्स थाउजेंड एज परचेजेज सो अब हमारा एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ तक कम्पलीट हो चुका है बट अभी क्वेश्चन कम्पलीट नहीं हुआ अभी आपको और भी गिवन है दैट इज सेलिंग एंड एक्सपेंसेस सेलिंग एक्सपेंसेस तो वो ऐड करेंगे हम इसमें हम ऐड सेलिंग एक्सपेंसेस दैट इज आपको गिवन है ये थ्री थाउजेंड एंड फोर हंड्रेड ये आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ सेल टोटल करेंगे आपको इन सबका हंड्रेड इसके बाद हम इसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे प्रॉफिट तो हमें इस बार गिवन नहीं है बट हमें सेल्स गिवन है इस बार ठीक है तो सेल्स का टोटल गिवन आपको सेवन थाउजेंड So the difference that is amount of profit that is 15,600. So this is the way of doing this type of question. So now read question number 13. A factory's normal capacity is 120,000 units per annum. The estimated cost of production are as under.

but it was expected that it would work 80% capacity for the remaining nine months. During the first three months, the selling price per unit was rupees 12. What should be the price in the remaining nine months to produce a total profit of two lakh eighteen thousand? So, so we basically have to see two columns for the first three months and remaining nine months. तो देखिए अगर पूरे साल में 120 अगर यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है तो हम देखेंगे मैं कि मंथ वाइज कितने कितने होगा देखिए फर्स्ट थ्री मंथ्स अगेन जो है फैक्ट्री जो है फिफ्टी परसेंट कैपेसिटी है एंड फॉर द नाइन मंथ्स एट्टी परसेंट कैपेसिटी तो पहले देखते हैं कितने यूनिट जो है कितने कितने आएगी तो जैसा हमने पहले किया था वैसे ही करेंगे <coughs> तो देखिए यहां पर क्या आएगा आपका फोर थ्री मंथ्स फोर थ्री मंथ्स निकालेंगे एंड देन फोर नाइन मंथ्स तो देखिए ओवर कितनी यूनिट्स पट हो रही है वन ट्वेंटी उसको करेंगे थ्री बाई ट्वेल्व एंड इसको डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे फिफ्टी परसेंट कैपेसिटी से ऐसे ही नाइन मंथ्स का करेंगे वन ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाय नाइन बाई ट्वेल्व एंड मल्टीप्लाई बाय ओवरऑल एट्टी परसेंट कैपेसिटी से ठीक है तो ये आपका आ जाएगा फिफ्टीन थाउजेंड यूनिट्स इसमें आ जाएगी आपकी ये फिफ्टीन थाउजेंड यूनिट्स एंड इसमें आएगी आपकी सेवेंटी टू थाउजेंड यूनिट्स तो देखिए अब डायरेक्ट मटेरियल कितना कितना आएगा डायरेक्ट मटेरियल देखिए कितना मिला रुपीज थ्री पर यूनिट रुपीज थ्री पर यूनिट सो दैट इज थ्री मल्टीप्लाई बाय फिफ्टीन थाउजेंड एंड थ्री मल्टीप्लाई बाय सेवेंटी टू थाउजेंड यही आएगा आपका सो यहाँ पर आ जाएगा फोर्टी फाइव थाउजेंड फोर्टी फर्स्ट थ्री मंथ एंड टू लैख सिक्सटीन थाउजेंड फॉर रिमेनिंग नाइन थाउजेंड बट इसी में जो है सेल ऑफ वेस्ट भी जो है वो माइनस करेंगे सेल ऑफ वेस्ट ठीक है वो कितना था ट्वेंटी परसेंट ऑफ दी ट्वेंटी परसेंट सॉरी ट्वेंटी पैसा वही बात होगी पर यूनिट के हिसाब से है सो देखिए यहाँ पर कैसा आएगा फिफ्टीन थाउजेंड यूनिट जो प्रोड्यूस हुई है उसका हमें सिर्फ और सिर्फ ट्वेंटी पैसा ही मिला है ठीक है सेम फॉर रिमेनिंग नाइन मंथ सेवेंटी टू थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी पैसा सो so, यहाँ पर क्या जाएगा कितना जाएगा आपका थ्री थाउजेंड ये लेस करेंगे एंड फोर्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड ये भी हम लेस करेंगे रुपीज टू तो पर मिनिमम ऑफ ट्वेल्व थाउजेंड पर मंथ ट्वेल्व थाउजेंड पर मंथ होना चाहिए देखिए मिनिमम ट्वेल्थ थाउजेंड पर मंथ होना चाहिए दैट मींस अगर आप फॉर द फर्स्ट थ्री मंथ्स देखो तो मिनिमम कितना होना चाहिए थर्टी सिक्स थाउजेंड फॉर द फर्स्ट थ्री मंथ्स एंड देन रिमेनिंग नाइन मंथ्स करिए कितना होना चाहिए ट्वेल्व थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय नाइन दैट इज वन लैक एट थाउजेंड ये मिनिमम होना चाहिए देखते हैं हम आएगा कैसे आएगा या नहीं आएगा पहले हम वो चेक कर लेते हैं देखिए रुपीज टू पर यूनिट होना चाहिए दैट मीन्स फिफ्टीन थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय टू करोगे तो कितना आएगा आपका थर्टी थाउजेंड ही आएगा दैट मीन्स वी विल कंसिडर दिस अमाउंट तो यहाँ पर फाइनल अमाउंट लेंगे यहाँ पर थर्टी सिक्स थाउजेंड उसके बाद अगर हम रिमेनिंग फॉर नाइन मंथ्स का देखेंगे तो कितना आएगा फोर्टी फाइव थाउजेंड मल्टीप्लाई बाई टू विच इज़ नाइनटी थाउजेंड सॉरी सेवेंटी टू थाउजेंड सॉरी सेवेंटी टू थाउजेंड सो जाएगा आपका वन लैख फोर्टी फोर थाउजेंड तो ज्यादा अमाउंट तो यही आपका तो इस केस में हम जो है इसको कंसिडर करेंगे यहां पर आ जाएगा वन फोर्टी फोर थाउजेंड बिकॉज कंडीशन थी कि पर मंथ जो है ट्वेल्व थाउजेंड पर मंथ जो है मिनिमम होना चाहिए इसमें खर्चा खर्चा सॉरी ये अमाउंट जो है यहां पर लिखेंगे ठीक है बस इनका टोटल क्या जाएगा आपका अब प्राइम कोस्ट इसका आ जाएगा आपका सेवेंटी एट थाउजेंड टोटल आ जाएगा एंड ये आ जाएगा आपका 3 lakh 45600. Yeah like a total of the prime cost. Now come to the part of factory overheads. तो देखिए फैक्ट्री वर्ड्स में क्या बोला गया है वही पहले इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस फिक्स्ड वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल तो पहले हम करेंगे फिक्स्ड देन वेरिएबल एंड देन लास्ट सेमी वेरिएबल तो देखिए फिक्स्ड कितना कितना अमाउंट है वन सिक्सटी पर एनम तो सेम ऐसे करेंगे वन सिक्सटी मल्टीप्लाई बाय थ्री बाय ट्वेल्व एंड देन वन सिक्सटी मल्टीप्लाई बाय नाइन बाई ये रहेगा आपका फोर्टी थाउजेंड एंड वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड वेरिएबल में देखिए क्या बोला बताऊं दैट इज रुपीज टू पर यूनिट तो इजी मल्टीप्लाई बाय फिफ्टीन थाउजेंड

पहले फ़र्स्ट उसके लिए थ्री मंथ्स के लिए ये फिफ्टी परसेंट कैपेसिटी होगी एंड फॉर द रिविंग नाइन मंथ्स वैसे तो एट्टी परसेंट काम किया है कैपेसिटी से काम किया है बट अप टू फिफ्टी परसेंट इसमें कैसा खर्चा कितना हो रहा है सिक्सटी थाउजेंड के अकॉर्डिंग हो रहा है सो दिस वुड बी फिफ्टीन थाउजेंड एंड दिस वुड भी फोर्टी फाइव थाउजेंड नेक्स्ट बोला है एंड एंड एन एडिशनल एक्सपेंस ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड फॉर एवरी ट्वेंटी परसेंट इंक्रीज इन कैपेसिटी और पार्ट दियर ऑफ देखो अब तक तो फोर दर्स्ट थ्री मंथ वाला तो फिनिश हो गया वो तो फिफ्टी परसेंट काम हो गया बट अब जो रेवेन्यूंग्स मैं उसमें कितना काम किया एट्टी परसेंट कैपैसिटी तो फॉर एवरी ट्वेंटी परसेंट इंक्रीज़ इन कैपेसिटी जो खर्चा एडिशनल खर्चा कितना आ रहा so, है ट्वेंटी थाउजेंड तो देखिए थर्टी परसेंट है यहाँ देखिए सॉरी यहाँ देखिए कितना है थर्टी परसेंट है ठीक है सो दैट मीन्स जो रिमेनिंग ट्वेंटी थाउजेंड है वो कितना है कैसा आएगा ट्वेंटी थाउजेंड प्लस ट्वेंटी थाउजेंड ऐसे ही आएगा ठीक है so, तो कैसा आएगा देखिए ट्वेंटी थाउजेंड फॉर द फर्स्ट ट्वेंटी परसेंट एंड देन अगेन ट्वेंटी थाउजेंड फॉर रिमेनिंग टेन मंथ्स फॉर द रिमेनिंग टेन परसेंट बिकॉज और पार्ट दे हो रहा है, सो so, यहाँ पर आ जाएगा नाइन बाई ट्वेल्व ठीक है सो दिस बी थर्टी थाउजेंड बस आप सबको टोटल कर देंगे या आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अच्छा वो कुछ गिवन ही है कॉस्ट ऑफ सेल ही ले लेते हैं फिर इसको हम कॉस्ट ऑफ सेल ठीक है तो इनका टोटल आ जाएगा आपका वन लैख सिक्सटी थ्री थाउजेंड इसका रहेगा आपका सिक्स लेख एटी फोर थाउजेंड ठीक है आगे देखते हैं क्या बोला हुआ देखिए इसमें लास्ट डेट में पढ़िए देखो ड्यूरिंग द फर्स्ट थ्री द सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है ट्वेल्व हमें फर्स्ट थ्री मंथ्स का सेलिंग प्राइस इस बार तो देखिए अगर सेल फॉर फर्स्ट थ्री मंथस थाउजेंड सो प्रॉफिट कितना होगा बैलेंस so, आ जाएगा आपका फर्स्ट प्रॉफिट दैट इज सेवनटीन थाउजेंड इजी है इसके बाद क्या पूछा देखिए व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ द रिमेनिंग रिमेनिंग नाइन मंथ्स रिमेनिंग अच्छा सेलिंग प्राइस पूछ रहे हैं पर यूनिट के हिसाब से फॉर द रिमेनिंग नाइन मंथ्स अगर टोटल प्रॉफिट टू लाखी टू लाख एट्टी थाउजेंड है टोटल प्रॉफिट अगर टू लाख एटीन थाउजेंड है और सेवनटी थाउजेंड ऑलरेटी नाइन मंथ्स में हो चुका है तो दैट मीन्स रिमेनिंग कितना होगा टू लैख वन थाउजेंड ठीक है तो ये आ जाएगा आपके पास टोटल प्रॉफिट इसको ऐड कर देते हैं हम टू लैख वन थाउजेंड तो ये आ जाएगा आपका एट लैख एट्टी फाइव थाउजेंड या सेलिंग सेल टोटल सेल वैल्यू ठीक है अब निकालते हैं हम सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉर नाइन मंथस आप नाइन मंथ्स निकाले सेलिंग प्राइस पर यूनिट बिकॉज का तो हमें पता है ट्वेल्व पर है तो इसका कितना होगा देखिए एट लैक एटी फाइव थाउजेंड इसको डिवाइड करेंगे हम किससे सेवेंटी टू थाउजेंड से पर so, यूनिट ये पर यूनिट आएगा आपके पास सो दिस इज द ऑफ़ डूइंग क्वेश्चन नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देखिए क्वेश्चन नंबर 14 एज इट इज सेम है जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 12 किया ठीक है सो दिस इज फॉर योर होमवर्क नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 15 द मेटल प्रोडक्ट्स लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ स्विंग मशीन दैट सेल्स फॉर ₹300 एन इंक्रीज ऑफ ऑफ 15% इन कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड 10% इन द कॉस्ट ऑफ लेबर इज एंटिसिपेटेड Mm -hmm. देखिए जो स्विंग मशीन है उसकी जो सेल है वो तीन सौ रुपए में ही उसको बेच रहे हैं वो बोल रहे हैं कि अगर फिफ्टीन परसेंट इंक्रीज हुआ है कॉस्ट ऑफ मटेरियल में एंड टेन परसेंट इन कॉस्ट ऑफ लेबर एंड इफ द ओनली फिगर्स आर गिवन बिलो दैन से तो पहले देखिए क्या था आपका मटेरियल अच्छा ये हमें बेस गिवन है मटेरियल कॉस्ट कितना है ट्वेंटी परसेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल लेबर कॉस्ट गिवन है फोर्टी परसेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल गिवन है फिफ्टी परसेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल देन एंटीसिपेटेड इंक्रीज इन कॉस्ट इन रिलेशन टू द्रेजेंट सेल थर्टी फाइव परसेंट डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रेजेंट ग्रोस प्रॉफिट देखिए हमें जो ये डाटा गिवन है आपको प्रीवियस डाटा गिवन है जो भी आपको गिवन है पॉइंट्स में ए बी सी ये आपको पॉइंट्स जो गिवन है कि ये सब इनका बेस है प्रीवियस ठीक है उसके हिसाब से हमें अब करंट ईयर करंट ईयर का हमें जो है हमें निकालना है सेल्स क्या होगी अच्छा तो पहले एक बार इसको बेस लेके चलते हैं कि बेस क्या-क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 ठीक है पहले हम देखते हैं ओल्ड हमें जो गिवन है इनकी जिसका हमें बेस लेके चलना है पहले ओल्ड लेते हैं देखिए क्या क्या होता है आपका खर्चा मटेरियल लेबर ठीक है इसके बाद क्या आपके, क्या था है आपके पास टोटल क्या था आपके पास ये प्राइम कोस्ट हम इसमें ऐड करते हैं

फोर्टी फाइव परसेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल तो दैट वुड बी पॉइंट फोर फाइव एक्स लेबर कितना फोर्टी परसेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल पॉइंट फोर जीरो एक्स तो प्राइम कॉस्ट कितना पॉइंट एट फाइव एक्स ठीक है ओवर कितना कि देखिए फिफ्टीन परसेंट तो ये फिफ्टीन तो ये तो वन एक्स आ जाएगा आपके पास ठीक है एंड सेल कितनी है सेल देखिए सेल प्राइस कितनी गिवन है ऊपर ही गिवन है थ्री हंड्रेड तो प्रॉफिट कितना होगा यहाँ पर इसके हिसाब से कार्य आप निकालोगे तो प्रॉफिट कितना होगा प्रॉफिट कितना होगा थ्री हंड्रेड माइनस एक्स बाई थ्री हंड्रेड की सेल और ओवर कॉस्ट ऑफ सेल हमने लेस कर दिया एक्स तो प्रॉफिट कितना आएगा थ्री हंड्रेड माइनस तो ये ओल्ड के हिसाब से है अब न्यू के हिसाब से निकालते हैं देखिए पहले तो हम वही खर्चा लिख देते हैं जो भी खर्चा होगा देखिए मटेरियल, लेबर इसके बाद आपका आपका आ जाएगा ये प्राइम कॉस्ट देन ऐड करेंगे ओवर हेड कॉस्ट देन वी विल गेट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ सेल ठीक है तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है आप क्या हो रहा है देखिए इंक्रीज मटेरियल में कॉस्ट जो इंक्रीज हो गया पंद्रह परसेंट से पंद्रह परसेंट से कॉस्ट जो है तो आपका आ जाएगा देखिये पॉइंट फोर फाइव एक्स में आप जो है फिफ्टीन परसेंट एड करोगे तो आपके पास पॉइंट फाइव वन सेवन फाइव आ जाएगा ठीक है लेबर में देखिए कितना इंक्रीज हुआ टेन परसेंट तो पहले कितना था पॉइंट फोर जीरो टोटल करेंगे यहां पर ठीक है, ओवर कोर्स में देखिए कोई ऐसा ओवर कोर्स के लिए कुछ इंफॉर्मेशन की है तो पहले कितना था पॉइंट वन फाइव तो वही हम ऐड करेंगे तो आपके पास ये टोटल आ जाएगा 1.1075x ठीक है <coughs> अच्छा इसमें एक स्टेटमेंट गिवन थी देखिए लास्ट कि अगर ये सब इंक्रीज कॉस्ट इंक्रीज होंगे तो प्रेजेंट सेल पे क्या इफेक्ट होगा प्रेजेंट सेल प्राइस वुड कॉज अ 35 परसेंट डिक्रीज इन दी अमाउंट ऑफ प्रेजेंट ग्रोस प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज होगा यानी प्रॉफिट जो है थर्टी फाइव परसेंट होगा आपका प्रॉफिट था कितना 300 आप आपकी यहाँ पर कैसे पहले ही जो था, इसमें जो है थर्टी फाइव परसेंट जो डिक्रीज हो जाएगा अगर ये ओवरऑल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी ठीक है सो तो देखिए अब प्रॉफिट कैसे निकलेगा फिर आपका देखिए सेल्स इसमें कैसे निकलेगी देखिए अगर हम इक्वेशन बनाएंगे क्वल टू प्रॉफिट प्लस छीन सौ ही रहेगीवल पे ठीक है अब यहाँ पर देखिए इंक्रीज इन कॉस्ट कॉस्ट यहाँ पर देखिए कितना आएगा वन पॉइंट वन जीरो सेवन फाइव अगर कॉस्ट इंक्रीज होती है तो प्रोफिट पे क्या इफेक्ट होगा इसमें जो है थर्टी फाइव परसेंट डिक्रीज हो जाएगा सो so, अगर हम इसमें 35 परसेंट डिक्रीज कर देंगे तो कितना अमाउंट आएगा देखिए 195 नाइनटी लेस पॉइंट सिक्स एक्स ये हमारी क्वेश्चन बन गई तो यहाँ से अब हम एक्स निकाल लेंगे so, यहां सो so, यहाँ पर से एक्स आएगा दैट इज 229.51 एंड एक्स जो है किसके इक्विवेलेंट था एक्स जो इक्विवेलेंट था आपके कॉस्ट ऑफ सेल्स का ठीक तो है तो कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आई है रुपीज टू ट्वेंटी पॉइंट फाइव वन ठीक है बस अब आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल आ गई है बस अब तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा देखिए अगर आप ओल्ड के हिसाब से देखोगे ओल्ड के हिसाब से सो देखिए कॉस्ट ऑफ सेल कितना जाएगा आपका टू ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव वन ठीक है और अगर सेल अगर कितना आएगा तीन सौ तो प्रॉफिट कितना होगा मैं आपको लिख के बताता हूँ देखिए कॉस्ट ऑफ सेल कितना है टू ट्वेंटी है थ्री हंड्रेड सो इसका जो बैलेंस जो जो होगा वो क्या आपके पास नाइन दैट्स इट अच्छा हमसे क्या पूछा था और देखिए लिखा है वट मस्ट बी सेलिंग प्राइस टू गिव परसेंट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट यानी कि वो पूछ रहे हैं कि हमारा सेल प्राइस सेल क्या होगी एज पर दी न्यू ईयर अगर प्रॉफिट परसेंटेज है वो सेम हो तो पहले हम बेस देख लेते हैं कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा परसेंट ऑफ प्रॉफिट वो कितना है देखिए सेवेंटी पॉइंट फोर नाइन कोर्स से ले लेते हैं मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड सो दिस वुड बी थर्टी पॉइंट सेवन वन परसेंट अब हमें जो बेस ये लेके चलना है ठीक है तो अब न्यू के हिसाब से देखिए हमें जो सेल निकालनी है तो देखिए न्यू के हिसाब से पहले हमें पूरा ही निकालना पड़ेगा देखिए मटेरियल वो कितना आएगा देखिए मटेरियल कितना आएगा देखिए इसको कैसे करना है आपको भाई वही आप वही ऐसे ही करोगे इसको तो आप भाई टू ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव वन मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू आप ऐसे ही तो करोगे इसमें आप देखिए टू ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव वन मल्टीप्लाई बाय पॉइंट फोर फाइव प्लस इसमें ऐड करोगे फिफ्टीन परसेंट तो आपके पास आ जाएगी ये तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर देखिए कॉस्ट ऑफ सेल कितना आता है वन पॉइंट वन जीरो सेवन फाइव तो कॉस्ट ऑफ सेल आपके पास आ जाएगी यहाँ पर इसके हिसाब सेल ही लेता सॉरी कॉस्ट ऑफ सेल यहाँ पर कैसे ना कैसा आएगा टू ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव वन मल्टीप्लाई इसको किससे करोगे आप वन पॉइंट वन जीरो सेवन फाइव से तो आपके पास ये पहले आ जाएगी टू फिफ्टी फोर पॉइंट वन एट ठीक है कि अब इसमें देखिए सेल हमें निकालनी है तो पहले हमें प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा प्रॉफिट कितना ऐड करेंगे इसमें हम दैट इज थर्टी पॉइंट सेवन थर्टी पॉइंट सेवन वन परसेंट के हिसाब से निकालेंगे सो योर प्रॉफिट वुड बी सेवनटी एट पॉइंट जीरो सिक्स So, कर देंगे हम सो दिस बी योर सो हमें प्रीवियस ईयर का जो बेस प्रॉफिट प्र, था हमारा दैट इज थर्टी पॉइंट सेवन परसेंट वही सेम लेके चलना है तो हमारा प्रॉफिट आ गया सेवेंटी जीरो सिक्स उसके साथ हमारे उसके हिसाब से हमारे सेल्स कितनी आएगी थ्री थर्टी टू पॉइंट टू फोर सो स्टूडेंट्स दिस इज दोर प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन दस्ट ऑफ सेल आप जरा सिक्सटीन क्वेश्चन भी देखोगे तो उसमें जो हमने फिफ्टीन किया वही सेम है वही सेम को आपका आंसर आ जाएगा आप इससे प्रैक्टिस कीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन एंड क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इज फॉर एराउंड ठीक है सो आई होप यू हैडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल थैंक यू